टीकमगढ़ के खरगापुर थाना क्षेत्र में 10 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अधेड़ उम्र के आरोपी ने दुष्कर्म किया है। लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। दुष्कर्म करने वाले आरोपी ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। टीकमगढ़ जिले में महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहां लोग मासूमों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला खरगापुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक अधेड़ उम्र के आरोपी ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और पीड़ित लड़की को कुछ दवा खिलाकर मारने की कोशिश की, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिवार वाले तुरंत मासूम लड़की को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं इस पूरी घटना के बाद आरोपी ने सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या भी कर ली। पुलिस ने पीड़ित लड़की के परिजनों की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। नाबालिग के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई, आरोपी ने फांसी लगा ली, क्या मामला है सर, क्या कार्रवाई की गई है? ये खरगापुर थाने की बात है, फुटेरा क्षेत्र क्रमांक 2 गांव है। यहाँ पे एक नाबालिग 10 साल के करीब उम्र की लड़की थी, उसके साथ में एक 14 अहिरवार करके करीब 55 साल उम्र है, उसके द्वारा कुकृत्य किया गया था। हालाँकि नाबालिग के पिता की रिपोर्ट पर 376 सहित पास्को एक्ट और सुसंगत धाराओं का प्रकरण उसके अगेंस्ट दर्ज किया गया है और आज ज्ञात हुआ कि आरोपी, जिसका नाम 14 अहिरवार, उसके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सर, नाबालिग बच्ची की हालत कैसी है सर? अभी इस पर हमें अस्पताल में भर्ती थी उसकी। उसका मेडिकल हुआ है, ब्लडिंग वगैरह ये है, तो ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।